For the flawless look as a bride, सबसे पहली चीज़ जो आपको make sure करनी है वो है आपका skin care. अब मैं ये नहीं कह रही कि go overboard with multiple stuffs from very high brands, but a perfect cleansing, toning, moisturizing routine followed on a religious basis is all that you need to make sure कि आपकी skin आपके big day के लिए prepared रहे. तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्लेंस करने के बाद में मैंने अपना टोनर यूज़ किया. उसके बाद में 99% ऑफ द वेडिंग्स ओवर हेयर इन इंडिया आर कंडक्टेड इन द नाइट टाइम. तो मैंने यहाँ पे अपना नाइट टाइम क्रीम यूज़ किया है, लोटस हर्बल का क्रीम है जो मैं रिलीजियसली यूज़ करती हूँ एट अ रेगुलर बेसिस. एंड यू कैन इंस्टेंटली सी किस तरीके से ये जो आपकी एक्चुअल स्किन होती है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है. उसके बाद में मैं बायो ऑयल अप्लाई करूँगी. बायो ऑयल अप्लाई अगर आप करने वाले हैं, किसी भी तरीके का ऑयल आप अप्लाई करने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि 2-3 मिनट के लिए आप उसे स्किन पे रुका रहने दें, वरना आपका मेकअप फाउंडेशन जो है वो स्लिप हो सकता है. तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं फाउंडेशन की तरफ. फॉलो एनी फाउंडेशन दैट यू आर इन लव विद और उसको कई बार यूज़ करके देख लीजिए, सो एज टू मेक श्योर दैट द शेड इज़ परफेक्ट एंड द लॉन्जिटिविटी एंड वट एवर थिंग्स आर नीडेड आर परफेक्ट. और कोशिश कीजिए ऑन द डी डे आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करें. यहाँ मैंने मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन यूज़ किया था, सॉरी. और ये डबल एंडेड फाउंडेशन है तो उसे कवरेज बहुत अच्छी मिल जाती है. इसके बाद में मैं यहाँ पे अपना कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. मैंने मिनानी का ही कंसीलर है जिसे यूज़ किया है टू मेक श्योर कि मेरे आई लिड्स और अंडर आई पैकेजेस जो हैं वो थोड़ा सा कवर हो जाए. अब मैं तो अभी ब्राइड नहीं हूँ, सो आई हैव स्लीपलेस नाइट्स विद विवान. आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे अंडर आई एरिया कवर्ड हो. बट जो टू बी ब्राइड्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ नाइस रूटीन एंड डाइट उनका अंडर आई एरिया काफ़ी अच्छा होता है. उसे ब्राइटन अप करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो HD कंसीलर और यहाँ मैंने कामल शेड यूज़ किया है. इसे मैं हायर पॉइंट्स ऑफ माय फेस पे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि जो मेरे चीक बोन्स और मेरा फोरहेड और मेरी नोज़ जो क्यूपिड्स बो चिन वगैरह है ये सब थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट होकर के सामने आए. तो यहाँ पे देखिए आपने मैंने इन सब जगहों पे इन सब एरियाज़ पे इस कंसीलर को अप्लाई किया है. इस स्टेप के लिए आप अपने स्किन टोन से एटलीस्ट 1 टोन लाइटर स्किन कंसीलर यूज़ करें. पर अगर किसी भी जगह पिगमेंटेशन या कोई मार्क पिंपल मार्क अवेलेबल है तो उसे आप पहले कंसील कर लें सेम कलर के कंसीलर से, उसके बाद में हाईलाइटिंग करिएगा. और अब मैंने प्रो HD कंसीलर ही लिया है एले गर्ल का दोबारा इन द शेड टोस्ट और उसे मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ. यहाँ आप देख सकते हैं जो भी हॉलो एरियाज़ होते हैं फेस के उन पे मैंने अपनी कॉन्टोरिंग लाइंस को अप्लाई किया है. और इसके बाद में मैं अपने रियल टेक्निक्स के मिरेकल स्पंज से एक बार फिर इन सभी क्रिएट की हुई लाइंस को जो है वो अच्छे से ब्लेंड करने जा रही हूँ. ब्लेंडिंग के साथ में आई वुड रादर सजेस्ट गो अहेड एंड टेक योर स्वीट लिटिल टाइम. प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. तो अगर आप खुद से अपना मेकअप कर रहे हैं तो 3-4 बार कोशिश कर लीजिएगा पहले, क्योंकि MUAs या तो बहुत ट्रस्टेड होने चाहिए, एक्सपेंसिव होने चाहिए और हर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा होता है. तो इट्स बेटर टू गो अहेड क्योंकि ब्राइडल ट्रूसो हर कोई प्रिपेयर कराता है, तो क्यों ना खुद से ही कर लिया जाए मेकअप. अब ब्राउज़ को निगलेक्ट करने की गलती कभी मत कीजिएगा. यहाँ मैंने एंगल्ड ब्रश यूज़ किया है रियल टेक्निक्स का और मैं फ्रीडम प्रो डिप ब्राउ पोमेड की हेल्प से अपनी ब्राउज़ को यहाँ ग्रूम कर रही हूँ. ब्राउ आर्चरी करते वक्त आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप ब्राउज़ को हल्का सा लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ कॉनिकल शेप देके बनाएंगे
तो आपकी आईज का शेप भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके होंगे आई शेडो एप्लीकेशन की, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, आराम से कैट आई क्रिएट कर पाएंगे आप। इसके बाद में मैं पाउडर कॉन्टोरिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रीडम प्रो का प्रोफेशनल पैलेट यूज़ किया है और सेम पैलेट के साथ आया हुआ ब्रश यूज़ किया है। दिस इज़ माय फेवरेट ब्रश जब बात की जाए पाउडर कॉन्टोरिंग की, तो क्योंकि इस ब्रश को जब आप हाथ में ले लेते हैं तो फिर आपको ये नहीं सोचना होता है कि नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए एक डिफरेंट ब्रश ढूंढना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं उन एरियाज़ को जिन्हें मैंने कॉन्टोर किया था उनको मैं इस वक्त अपने पाउडर कॉन्टोर की हेल्प से सेट कर रही हूँ। मैंने डार्केस्ट शेड यूज़ किया है फ्रॉम द सेम पैलेट, और उसके बाद में जो बनाना शेड है फ्रॉम द सेम पैलेट उसकी हेल्प से मैं कंसील्ड एरियाज़ को सेट कर रही हूँ। ये और ज़्यादा लिफ्ट करने में, हाईलाइट करने में, ब्रिंग फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। बनाना शेड बेसिकली येलो शेड होता है जिसकी वजह से आपका फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सामने आते हैं। और इसी से मैं अपने आईलेट्स को भी इस समय सेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आईलेट्स पर कंसीलर अप्लाई किया था और ये ब्लेंडिंग में आई शेडोज़ की काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद में मैंने अपना फोरहेड, ब्रिज ऑफ माय नोज़, मतलब एवरी एरिया वेयर आई वेंट अहेड एंड अप्लाइड दैट हाइलाइटर, उसे मैं सेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस बनाना पाउडर। अब मैं हर चीज़ को आपस में ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, स्पेशली द बनाना पाउडर और द येलो पाउडर विद द कॉन्टोर लाइंस, टू मेक श्योर कि कोई भी चीज़ स्टार्क ना लगे फेस पे, अच्छे से एक दूसरे के अंदर जो आपका बेस मेकअप है वो मेल्टेड होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं वही अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद में मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी। ब्लशर के साथ में मैंने थोड़ा हल्का हाथ रखा है, तो यहाँ मैंने पीची स्वीटी ब्लश यूज़ किया है फ्रॉम मेबलिन, और उसकी हेल्प से मैं अपने हाइलाइटर और अपने कॉन्टोर को आपस में जोड़ूंगी। जो दो चीज़ें हैं अलग अलग उनको एक ही में ब्लेंड करने के लिए ब्लशर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसके बाद में सन किस्ड हाइलाइटर ले रही हूँ मैं, ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है, और इस हाइलाइटर की हेल्प से मैं अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करूँगी। इसके अलावा बाकी भी हायर पॉइंट्स ऑफ माई फेस जो मैं चाहती हूँ हाईलाइट करना, उन्हें मैं इस हाइलाइटर की हेल्प से हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद आते हैं पहले लिप्स की तरफ। आईज़ में आप लोगों के लिए बाद में करूँगी। तो लिप्स पहले मैं यहाँ पे निक्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और ये हॉलीवुड रेड लिप लाइनर है। इसकी हेल्प से मैं अपनी लिप्स को लाइन करूँगी प्रॉपरली, और उसके बाद में मैं उन्हें फिल करके तब मैं उन पर लिपस्टिक की एप्लीकेशन करूँगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं आई एम लाइनिंग माई लिप्स विद द हेल्प ऑफ द सेम लिप लाइनर, एंड देन लेटर ऑन आई एम गोना फिल देम इन। अब हम लोग प्योर गार्नेट शेड यूज़ कर रहे हैं लॉरियल का। दिस इज़ बाय द सोनम कपूर्स कलेक्शन। लिपस्टिक का शेड चूज़ करते वक्त याद रखिए, यू कैन बी एक्सपेरिमेंटल बट इट्स बेटर टू गो अहेड विद अ रेड कलर लिपस्टिक, और वो रेड जो आपको बहुत अच्छे से सूट करता हो। रेड्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो मेक श्योर यू फाइंड योर परफेक्ट रेड बिफोर योर डी डे, इट्स गुड राइट। अब मैं निक्स का पैलेट ले रही हूँ, मुझे नाम नहीं ध्यान रह गया इस पैलेट का, बट उसके येलो शेड की हेल्प से, येलो शेड को उसके मैं ट्रांजिशन शेड की तरह यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आई एम अप्लाइंग इट इनटू द क्रीज ऑफ माय आईलिड टू मेक श्योर कि जो बाकी ये कलर्स आगे आने वाले हैं वो आसानी से ब्लेंड हो सके। यहाँ मैंने स्कॉच टेप की हेल्प ली है टू मेक श्योर दैट आई हैव दैट परफेक्ट क्रिस्प लाइन। And I'm extremely sorry about the dogs barking in the background. I can't avoid it. मैं रात में काम कर रही हूँ at the moment. It's very late at night and the dogs have this weird ideology of barking. I don't know why. So यहाँ आप देख सकते हैं मैं सेम कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आउटर और इनर अपर एंड लोअर रिम पे ऑफ माई आईलेट टू मेक श्योर
कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद में मैंने ब्लैक शेड लिया है, आप किसी भी तरीके का ब्लैक या ब्राउन शेड ले सकते हैं इस मेकअप लुक के लिए। अगर आप हल्का थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं लुक को तो आप ब्राउन शेड यूज़ करें, और अगर आप वांट टू गो ऑल आउट यू कैन गो अहेड विद अ डार्क ब्लैक शेड। यहाँ मैंने ब्लैक शेड यूज़ किया क्योंकि मेरे लहंगे में हल्का सा ब्लैक का टच था। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई आउटर वी विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लैक शेड, इवन दो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग ओवरबोर्ड विद ब्लैक। ब्लैक हमेशा ग्रेजुअली बिल्ड कीजिए क्योंकि बहुत आसानी से आप उसके साथ गलत हो सकते हैं। इसके बाद में मैं एंटीक गोल्ड शेड ये वाला ले रही हूँ फ्रॉम द निक्स का पैलेट ओनली, एंड आई एम जस्ट पैकिंग इट लाइक लिटरली लोडिंग इट ऑन टू माई आईलेट। और ये जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा था ब्रोकेड की जो बॉर्डर है मेरे लहंगे की उसके साथ में। और फिर मैंने हाइलाइटर की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। ये सेम हाईलाइटर है सनकिस्ट वाला जिसे मैंने बाकी के फेस को हाईलाइट किया था, जस्ट हेल्प्स ब्रिंगिंग द लुक टुगेदर। और पहले मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट नहीं करती थी, आई वॉज अ कल्प्रिट। आप देख सकते हैं इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स योर आई और वो ओपन अप सा लुक देती है इसको। तो इनर कॉर्नर हाईलाइट करना कभी मत भूलिए, मेरी ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा। टेक माई एडवाइस एंड हाईलाइट योर इनर कॉर्नर ऑलवेज। इसके बाद में मैं लाइनर लेने जा रही हूँ इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से। लाइनर की मैटर में लाइनर में बहुत बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ लगाते हुए, इसलिए आई रेकमेंड अदर थिंग्स टू यू पीपल वाइल अप्लाइंग द आई लाइनर। लाइनर सेलेक्ट करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें किस फॉर्मूला के साथ आप कंफर्टेबल हैं। कई बार ऐसा होता है हम पेंसिल के साथ कंफर्टेबल होते हैं, जेल के साथ होते हैं, लिक्विड के साथ होते हैं। आप जिस लाइनर के साथ में कंफर्टेबल हैं ट्रेंड के साथ मत जाइए, उस ही लाइनर को अप्लाई कीजिए। और हाँ, अगर आपने लाइफ में कभी भी आई लाइनर नहीं अप्लाई किया है तो ऑन योर बिग डे गलती मत कीजिएगा अपना आई लाइनर खुद से अप्लाई करने की। सो जस्ट प्रैक्टिस अलॉट व्हेन इट कम्स अप टू एन आई लाइनर, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस के बावजूद कभी कभी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी विंग जो है वो इम्परफेक्ट हो जाता है, कभी कभी मिसमैच हो जाता है। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट द डे यू डिसाइड कि आपको खुद से अपना मेकअप करना है। You just go ahead and try and start practicing your eyeliner. That is the most important thing because it can make or break your look. और इसी लेक्चर के साथ में आप देख सकते हैं मेरा लाइनर जो है वो फिनिश हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में मैं फास्ट फॉरवर्ड ना यूज़ करूँ to make sure कि दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी आईज़ को टाइट लाइन भी कर लिया है, और इसी की हेल्प से मैं अपने वाटर लाइन के 1/3 पोर्शन को भी कवर करूँगी टू मेक श्योर दैट माई आईज़ आर लुकिंग बैलेंस्ड। और हाँ, मैं इस वीडियो में फुटेज में कैप्चर करना भूल गई हूँ, पर मैंने आई लैशेस पे मेबलिन का मस्कारा अप्लाई किया था जो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, मैंने फुटेज में नहीं लिया है। इसके बाद में मैं स्मोक आउट कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन को विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्लैक शेड टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर अ लिटिल बिट बैलेंस्ड, एंड विद दैट द मेकअप लुक इज फिनिश्ड एंड हेयर आई एम ऑल डॉल्ड अप एज अ ब्राइड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।